हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज रिवर सतलुज। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिवर सतलुज के बारे में। माय डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट रिवर सतलुज इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। इंडस की लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी, इंपॉर्टेंट इंडस रिवर है इंडस रिवर। अगर हम बात करेंगे इंडस रिवर सिस्टम की, दिस रिवर सतलुज इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस, ठीक है ना। सो दिस रिवर सतलुज कहां से ऑरिजिन होता है? ऑरिजिन मानसरोवर, याद रखना मानसरोवर रक्स लेक, मानसरोवर रक्स लेक यहीं से राइज होता है। मानसरोवर रक्स लेक कहां पे? कैलाश माउंटेन्स, याद रखना कैलाश माउंटेन्स वेस्टर्न तिब्बत। तो कहां से राइज होता है, कहां से ऑरिजिन होता है रिवर सतलुज का? मानसरोवर रक्स लेक, याद रखना मानसरोवर रक्स लेक कहां पे है? कैलाश माउंटेन्स में, वेस्टर्न तिब्बत में, ठीक है ना। सो रिवर सतलुज जो है ट्रांस बाउंड्री रिवर, क्या है ये? ट्रांस बाउंड्री, याद रखना ट्रांस बाउंड्री हिमालय रिवर है, ट्रांस बाउंड्री रिवर वो रिवर होता है जो एटलीस्ट क्रॉसेस वन इंटरनेशनल बाउंड्री। ऑरिजिन कहां से होता है, राइज कहां से होता है? यहां से राइज होता है तिब्बत, यहां पे कैलाश मानसरोवर लेक रक्स, ठीक है ना, तिब्बत। फिर होता है इंटर कहां पे? इंडिया में। फिर लेटर इंटर पाकिस्तान, इसलिए से कहते हैं ट्रांस बाउंड्री रिवर। क्या कहते हैं? ट्रांस बाउंड्री रिवर। दिस रिवर विच इज दैट इन तिब्बत, तिब्बत में इस रिवर का नाम है लंगचन कम्बाब, याद रखना लंगचन कम्बाब। इन तिब्बत दिस रिवर इज नोन एज लंगचन कम्बाब। सो अगर हम बात करेंगे संस्कृत में दिस रिवर इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं? दिस रिवर सतलुज इज नोन एज इन संस्कृत टेक्स्ट में मेंशन हुआ है इसका नाम शताद्री, याद रखना शताद्री, क्या है? शताद्री, SHETADRI, शताद्री है मेंशन संस्कृत टेक्स्ट में, द नेम ऑफ विकी से सतलुज मेंशनड इन संस्कृत टेक्स्ट में मेंशन नेम क्या है? शताद्री, ठीक है ना। जो ये रिवर सतलुज, दिस रिवर इज आल्सो नोन एज, समटाइम्स नोन एज रेड रिवर, याद रखना इसे क्या कहते हैं? रेड रिवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड रिवर, समटाइम्स नोन एज रेड रिवर, इसको रिवर सतलुज को, ठीक है ना। सो वीडियो को जिस देखने के साथ साथ स्क्रीनशॉट है ना भूलिए, ठीक है ना, क्लियर यहां तक? ठीक, ऑरिजन मानसरोवर रक्स लेक कहां से? वेस्टर्न तिब्बत कैलाश माउंटेन्स में, ठीक है ना। वी सी दैट दिस ट्रांस बाउंड्री रिवर, ट्रांस हिमालय रिवर भी इसे कहते हैं, ट्रांस हिमालय और ट्रांस बाउंड्री रिवर, क्लियर। दिस रिवर सतलुज इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस, की लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी है कौन सा? रिवर सतलुज, ठीक है ना। नाउ अब अगर हम बात करेंगे द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर, लेंथ ऑफ द रिवर के बारे में अगर हम बात करेंगे, टोटल लेंथ रिवर की, टोटल लेंथ, द टोटल लेंथ ऑफ रिवर इज 1450 किलोमीटर, याद रखना 1450 किलोमीटर। अगर हम देखेंगे इंडिया में टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है रिवर सतलुज, सो इट इज 1050 किलोमीटर, याद रखना द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो कवर करता है कहां? इंडिया टेरिटरी में, इंडियन टेरिटरी में कितना? 1050 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस। इट वी कैन से दैट द रिवर सतलुज फ्लोज इन इंडिया इंडियन टेरिटरी, कितना फ्लो करता है, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है? 1050 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन इंडिया, डिस्टेंस कवर्ड इन, याद रखना, ठीक है ना। सो यहां से ऑरिजिन होने के बाद दिस रिवर इट एंटर होता है इंडिया में, कहां? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना, थ्रू शिपकीला पास, याद रखना थ्रू शिपकीला पास, कहां से? शिपकीला पास से, ठीक है ना, ठीक है ना। सो विच इज दैट दिस रिवर एंटर
enters India. India में enter होता है कहां? हिमाचल प्रदेश. हिमाचल, this river enters in India at Himachal Pradesh through Shipkila Pass. Shipkila Pass. So India में enter होता है कहां से? हिमाचल प्रदेश से एंटर होता है, ठीक है ना, एट शिपकिला पास. वी दैट दिस रिवर इट फ्लोज नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन. यहां से फिर फ्लो करता है नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन, याद रखना, फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन. फ्लो कहां से करता है? वेस्टर्ली, नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन, जब यहां से निकलता है, ठीक है ना. फिर एंटर होता है इंडिया में, हिमाचल प्रदेश से एंटर होता है, ठीक है ना, थ्रो शिपकिला पास. थ्रो शिपकिला पास एंटर से हिमाचल प्रदेश एट शिपकिला पास, एट शिपकिला पास. फिर फ्लो करता है साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन. फ्लो यहां से जब एंटर होता है फिर एंड ऑल्सो फ्लोज, फिर फ्लो क्या करता है? साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में. उसके बाद जब शिपकिला पास से एंटर होता है इंडिया में, एंड ऑल्सो फ्लोज थ्रू साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन, साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में, ठीक है ना. सो साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन. एंड लेटर जब हिमाचल प्रदेश की बात अगर हम करेंगे, एंड फ्लोस ऑफ डायरेक्शन कहां से? डायरेक्शन में किन्नूर, याद, इट फ्लोस थ्रू किन्नूर, याद रखना, फ्लोस थ्रू किन्नूर, शिमला फ्लोस थ्रू रिवर, सतलुज फ्लोस थ्रू इन इंडिया, फ्लोस थ्रू इंटर हिमाचल प्रदेश में. फ्लो कहां से करता है? किन्नूर, शिमला, ठीक है ना, कुल्लू, कुल्लू, सोलन, मंडी, सोलन, सोलन, मंडी एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, याद रखना है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ऑफ हिमाचल प्रदेश. सो हिमाचल प्रदेश में कहां से फ्लो करता है? किन्नूर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी एंड बिलासपुर, जो भी है डिस्ट्रिक्ट यहां से फ्लो करता है, सब कुछ कहां पे? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना. सो वी सी दैट इट लीव्स हिमाचल प्रदेश. लीव कहां से हिमाचल प्रदेश करता है? एट बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इट लीव्स हिमाचल प्रदेश. जब हिमाचल प्रदेश को लीव करता है रिवर सतलुज, हिमाचल प्रदेश, एंड फिर एंटर कहां होता है? एंटर होता है पंजाब में, एंटर पंजाब, पंजाब एंटर होता है, ठीक है ना, कहां पे एंटर होता है? पंजाब, ठीक है ना, पंजाब में. अगर हरियाणा में एंटर होता है, याद रखना, पंजाब में हरियाणा में एंटर होता है. इट लीव्स, लीव कहां से करता है? बिलासपुर से, याद रखना, इट लीव्स हिमाचल प्रदेश एंड एंटर कहां से एंटर होता है? हरियाणा से पंजाब में, ठीक है ना. वी सी दैट बिलासपुर, इन बिलासपुर वी सी दैट वर्ल्ड्स लार्ज हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, भाखड़ा निकल डैम है ना, वो यहीं पे कंस्ट्रक्ट, बिलासपुर में ही इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड. एक डैम बनाया गया यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट किया गया बिलासपुर में, इस पे रिवर सतलुज पे, उस रिवर, उस डैम का नाम भाखड़ा निकल डैम. सो इन बिलासपुर, इन बिलासपुर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, वी सी दैट बिलासपुर, वी सी दैट वर्ल्ड्स हाईएस्ट डैम, वर्ल्ड्स हाईएस्ट, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम, भाखड़ा निगर, याद रखना, भाखड़ा निगर, भाखड़ा डैम जिसे भी कहते हैं, भाखड़ा डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर. बिलासपुर में क्या है? यहां पे अगर हम देखेंगे जो रिवर सतलुज है, वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रेविटी डैम यहां पे कंस्ट्रक्ट हुआ है, किस पे? रिवर सतलुज पे. उस डैम का नाम वी सी दैट भाखड़ा निगल डैम, भाखड़ा डैम जिसे कहते हैं, भाखड़ा डैम. भाखड़ा डैम की बात करेंगे, टोटल कैपेसिटी अगर हम देखेंगे, दिस वी सी दैट टोटल
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम देखेंगे, वी सी दैट 1325 मेगावाट किस पे, भागड़ा डैम पे, भागड़ा डैम, ठीक है ना, भागड़ा डैम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में, किस नंबर पे, सतलुज पे, क्लियर। सो वी कैन से दैट दिस भागड़ा डैम इट प्रोवाइड्स वी कैन से दैट वाटर फॉर इरीगेशन किन को प्रोवाइड करता है, पंजाब राजस्थान एंड हरियाणा, लाइफ लाइन ऑफ पंजाब राजस्थान एंड हरियाणा, इट प्रोवाइड्स इरीगेशन, इज इंपॉर्टेंट, इरीगेशन प्रोवाइड करता है, कौन सा डैम, इरीगेशन पर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, भागड़ा डैम, किन के कहां पे, पंजाब में, हरियाणा एंड राजस्थान, ठीक है ना। एंड वी सी दैट दिस भागड़ा डैम अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू ने डिस्क्राइब किया है भागड़ा डैम को क्या, द न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, याद रखना, न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया इसने डिस्क्राइब किया जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू डिस्क्राइब दिस भागड़ा डैम एज अ न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, ठीक है ना, क्लियर। सो अगर हम बात करेंगे वी सी दैट वेरियस बहुत ज्यादा मनी इंपॉर्टेंट डैम्स, बहुत ज्यादा डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं किस पे, रिवर सतलुज पे, ठीक है ना, बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। नाउ यहां से फिर एंटर होता है कहां पे, पाकिस्तान में, ठीक है ना। एंड फाइनली वी सी दैट दिस रिवर किससे फिर ज्वाइन होता है, इंडस से, कहां पे, इंडस से ज्वाइन होता है मिठान कोट में, याद रखना मिठान कोट, जहां पे पंजनद रिवर, फायो रिवर, रिवर चिनाब, जहलम, बियास, रवि एंड सतलुज ज्वाइन किसे करते हैं, इंडस से, पंजनद रिवर, कहां पे, मिठान कोट पंजाब पाकिस्तान, ठीक है ना। मिठान कोट कहां पे है, पंजाब पाकिस्तान में, यहीं से अगर हम देखेंगे पंजाब पाकिस्तान मिठान कोट में ज्वाइन करता है रिवर सतलुज किससे, रिवर इंडस से, ठीक है ना, रिवर इंडस से। अगर हम बात करेंगे डैम्स की, इंपॉर्टेंट डैम्स एक तो है भागड़ा निंगल डैम, वो हमने डिस्कस किया, दूसरा है करचम वंगथू, याद रखना करचम वंगथू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कहां पे है, किन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में इस पे कंस्ट्रक्ट हुआ है करचम वांगथू डैम, या आप लिखे से दैट कंचम वांगथू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट हुआ रिवर सतलुज पे, कहां पे, किन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। टोटल कैपेसिटी कितनी है, 1000 मेगावाट, ठीक है ना, हाइड्रो जी की अगर हम करेंगे बात, 1000 मेगावाट टोटल कैपेसिटी, क्लियर। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट डैम हिमाचल में, और एक डैम बना है रिवर सतलुज पे, कौन सा, नथफा जकरी डैम, दिस डैम इज ऑल्सो कहां पे है, इसकी लोकेशन हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना, वी सी दैट दिस नथफा जकरी डैम, टोटल कैपेसिटी 1500 मेगावाट हिमाचल प्रदेश, क्लियर। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डैम है वो क्या है, भागड़ा निंगल डैम। सो भागड़ा डैम जिसे हम कहते हैं, इट फॉर्म, वो क्या फॉर्म करता है, गोविंद सागर, याद रखना गोविंद सागर रिजर्व, भागड़ा डैम जो है बाकरा डैम से कहते हैं, वो क्या फॉर्म करता है,
फार्मर्स, गोविंद सागर रिजर्व, याद रखना गोविंद सागर रिजर्व, गोविंद सागर रिजर्व कौन फार्म करता है? गोविंद सागर रिजर्व फार्मर्स, बागड़ा डेम फार्मर्स, गोविंद सागर रिजर्व, बागड़ा डेम फार्मर्स, गोविंद सागर रिजर्व, ठीक है ना। उसी दैट नथपा भी हमने डिस्कस किया, एंड ऑल्सो उसी दैट कोलडाम डेम, कोलडाम डेम भी है कहां पे? बिलासपुर में, इस पे सतलुज रिवर पे, ठीक है ना। कोलडाम, कोलडाम डेम वन ऑफ ऑल्सो इंपॉर्टेंट डेम जिसपे कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है ना। सो नाउ द ट्राइब्यूटरीज, अब हम बात करेंगे ट्राइब्यूटरीज की, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है रिवर सतलुज की। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में बहुत से उसी तरह रिवर ज्वाइन करते हैं, किससे? मनी रिवर्स, मनी रिवर्स, स्मॉल रिवर ज्वाइन सतलुज, कहां पे? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। सोन है उनमें, सोन भी कहते हैं, सियोन और सोन रिवर, सोन बहला, सोन बहला, सोन बहला, कोटलू याद रखना, सोन बहला, सोन बहला, सोन बहला, कोटलू, ठीक है ना। एंड वी कैन से दैट बागमती, बागमती, मंडी डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश का है, मंडी डिस्ट्रिक्ट, वी सी दैट इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश मनी रिवर्स, सोमाल रिवर्स ज्वाइन सतलुज, तो ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज रिवर सतलुज की, ठीक है ना। सो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया रिवर सतलुज के बारे में, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है ना।